हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मैच में रोमांच देखने का अलग ही मज़ा है। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर भूखे शेर की तरह लड़ते हैं, लेकिन भले ही पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने खेल से भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल नहीं जीत पाते हैं, लेकिन कुछ भारतीय मूल की महिलाओं का दिल जीतने में यकीनन सफल रहे हैं। आज हम आपको उन पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने भारतीय मूल की महिलाओं का दिल जीता और उनसे शादी भी की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हैं सानिया मिर्जा और शोएब मलिक। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक सानिया मिर्जा से शादी की है। दोनों का एक बेटा भी है, इसका नाम ईजान मिर्जा मलिक है। सानिया शादी के कुछ दिन बाद से ही भारत में ही रहती हैं। वे कभी कभी पाकिस्तान जाती हैं। वे दोनों ज़्यादातर एक साथ दुबई में रहते हैं। दुबई में शोएब और सानिया ने अपना एक घर खरीदा है जहां पर दोनों एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे हैं सामिया आरजू और हसन अली। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने हाल ही में भारतीय मूल की लड़की सामिया आरजू से शादी की। सामिया फ्लाइट इंजीनियर हैं। सामिया का घर भारत में हरियाणा के नूह जिले के गांव चंदेरी में है। अब तीसरे नंबर पे हैं रीता लुथरा और जहीर अब्बास। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जहीर अब्बास ने रीता लुथरा से 1988 में शादी की थी। शादी के बाद रीता लुथरा ने अपना नाम बदलकर समीना अब्बास कर लिया है। आपको बता दें कि रीता लुथरा इंग्लैंड में इंटीरियर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी, तो वहीं जहीर अब्बास काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो दोनों की मुलाकात इंग्लैंड में ही हुई थी। फिर बाद में उन्होंने शादी कर ली। तो दोस्तों, चौथा और अंतिम नंबर पे हैं रीना रॉय और मोहसिन खान। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रीना रॉय ने पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहसिन खान से शादी की है। दोनों की शादी 1986 में हुई थी, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई और कुछ दिनों बाद ही दोनों का तलाक हो गया। वे 1990 में एक दूसरे से अलग हो गए। बता दें कि दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम जन्नत है। वह इस समय अपने पिता के साथ रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप कमेंट बॉक्स में इन जोड़ियों के बारे में अपनी राय दें।